अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। समर सीज़न इज़ हेयर एंड आई जस्ट हेट दिस सीज़न। मैं बता नहीं सकती कैसे जो है ना ये सीज़न मैं गुजारती हूँ। तो हुआ कुछ ऐसे कि काफ़ी दिनों से, यानी लाइक लास्ट वीक से मेरा दिल कर रहा था कि मैं कोई ना मोल्टन लावा या फिर कुछ। आई लव मीठा, आई एम ऑब्सेस्ड विद मीठा, मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा। खैर, मुझे आइसक्रीम खाने का दिल कर रहा था और मोल्टन लावा खाने का दिल कर रहा था, तो मैं बड़े दिनों से प्लान कर रही थी पर कोई मेरे से जाने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन खैर, आई हैव डिसाइडेड टू गो विद माय सिस्टर्स। अब मैं गई और अनफॉर्चुनेटली मुझे मोल्टन लावा तो नहीं मिला, तो मैंने सोचा चलो आइसक्रीम खाते हैं क्योंकि कुछ मीठा खाना ही खाना था। तो हम लोग बरकत मार्केट चले गए। अब बरकत मार्केट में मुझे एक छोटा सा स्टॉल टाइप सा एक जो है ना वो आइसक्रीम पार्लर मिला, आप कह सकते हैं। बहुत इकोनॉमिकल, बहुत टेस्टी और जाके यानी मज़ा आ गया। एम्बियंस भी अच्छा था। मौसम खैर अच्छा नहीं था, मौसम से आइसक्रीम का ताल्लुक कोई नहीं है, लेकिन आइसक्रीम टेस्ट वाइज बहुत अच्छी थी। मेरा फेवरेट फ्लेवर है स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। यानी शेक की बात करें या फिर अगर मैं बात करूँ आइसक्रीम की, तो मुझे, मैं हमेशा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर को ही जो है ना वो प्रेफरेंस देती हूँ। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि मुझे ना वो चॉकलेट केक पसंद हो सकता है लेकिन चॉकलेट शेक या फिर चॉकलेट आइसक्रीम नहीं पसंद। अब मुझे इसका कुछ पता नहीं है, तो आपने मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताना है कि आप लोगों का फेवरेट फ्लेवर कौन सा है। मेरा है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। अच्छा, मौसम की बात करूँ मैं, तो मौसम कोई अच्छा नहीं था, गर्मी से पूरा हाल था। अगर आप लोगों ने यहाँ पे जाना है तो अपनी गाड़ियों में बैठ के आइसक्रीम खाइएगा। यानी आपने आइसक्रीम खानी है तो यानी ये ना हो कि आप उससे पहले आधे खुद मेल्ट हो जाएं, बाकी रही सही कसर आइसक्रीम मेल्ट हो जाएगी। तो इसीलिए जाएं ज़रूर, क्योंकि गर्मी में बहुत मज़ा आता है खाने का, लेकिन गाड़ियों में बैठ के एसी में बैठ के इंजॉय करें। अच्छा, उसके बाद ना अगर बात करें तो ना बहुत छोटा स्टॉल था, 270 रुपये में आपको ना एक बड़ा सा कप मिल रहा है और वो एक बंदर ने अगर खानी है खा सकता है, मेरे जैसा तो खा ही लेगा। अगर आप लोग हैं तो दो खा सकते हो, इंजॉय कर सकते हो, बहुत इकोनॉमिकल सस्ता सा। तो अगर आपने जाना है बरकत मार्केट में, आपने स्मोगी आइस के नाम से जो इनका पार्लर है, स्टॉल है, वहाँ से ज़रूर आइसक्रीम खानी है, बहुत मज़े की है। मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में किया था, मेरी बहनों ने चॉकलेट आइसक्रीम की थी, उन्होंने उसको बना बनू के ये तवा आइसक्रीम रोल्स की सूरत में जो है ना वो पेश की, तो बहुत मज़ा आया। और प्रेजेंटेशन वाओ थी, सुपर थी, 10 में से 10 मार्क्स उसके लिए इन लोगों को मिलते हैं। और सर्विस बहुत अच्छी थी। आप लोग जाएँ और सबको खिलाएँ, खुद भी खाएँ और इन्जॉय करें। इसके अलावा इनकी ना जैस जो है ना वो सहूलत भी इनके पास है, तो अगर आपके पास पैसे नहीं है और क्रेविंग हो रही है आपको बहुत शदीद वाली मेरी तरह, तो आपने बस चले जाना है, जैस कैच इनको कर दीजिएगा, मान मुन जाएंगे, ठीक है। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल था, लेकिन खैर पैसे जो थे मेरे पास थे कैश फॉर्म में, मुझे जैस कैश करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन मैंने आपको ये भी इन्फॉर्म कर दिया। एम्बियंस जो इनका अच्छा है, लेकिन वहाँ पे वही वाली बात कि गर्मियों में आप जो है ना, उन्होंने कोई सीटिंग अरेंजमेंट की हुई है थोड़ी बहुत, लेकिन गर्मी इतनी है कि आप लोग वहाँ बैठ नहीं सकते। तो आपने मेरे पे इल्ज़ाम नहीं लगाना कि ये बने कहा था तो हम लोग चले गए। तो आपने जाना है, आइसक्रीम लेनी है और अपनी गाड़ी में बैठ के इंजॉय करना है। तो ये सारी वीडियो ऐसी ही है और तो कुछ नहीं इसमें बताने वाला, ठीक है। मैंने इनकी पब्लिसिटी अच्छी कर दी है, बाकी आप वीडियो को इंजॉय करें और वीडियो देखा करें और कॉमेंट भी किया करें। इसके अलावा लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करने का मैं कह नहीं रही किसी के साथ, लेकिन हाँ, आइसक्रीम आप खाने के बाद आइसक्रीम ज़रूर दूसरों के साथ शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। अच्छा, इन्होंने ना ये जो चॉकलेट के साथ साथ कोकोमो ऊपर लगा के दिए ना, तो मुझे वो बचपन वाला याद आ गया, कोकोमो मुझे भी दो यार। बचपन में तो पैकेट्स में 4-5 निकल आते थे, अब तो 3 निकलते हैं। तो बहुत ही, मैं कह रही हूँ, महंगाई हो गई है, लेकिन अगर इस महंगाई वाले दौर में अगर आपको इतनी सस्ती आइसक्रीम मिल रही है तो वाई नॉट। जो नहीं भी खाते उनको भी खानी चाहिए, वो भी टेस्ट कर लें तो कोई मसला नहीं है। अगर नहीं भी आप लोगों ने टेस्ट करना तो मेरे साथ मुझे आप लोग खिला सकते हैं, ठीक है। ये प्रेजेंटेशन चेक करें, एम्बियंस चेक करें और वीडियो को एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।